दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वो गीजर लगाएंगे और गीजर के दोनों पॉइंट भी बनाएंगे। तो ये 15 लीटर पानी की क्षमता का उषा कंपनी का गीजर है, तो और ये मिस्टी मॉडल है, वो उषा कंपनी का है और ये 15 लीटर का है। तो इसको हमने अभी यहाँ पर हैंग कर दिया है, लटका दिया है। इसके दोनों फास्टनट वो साथ में आते हैं, जिन्हें लगाना बहुत आसान है। ड्रिल से होल करने के बाद आप लगा सकते हैं। और ये NRE वाल लगा दिया है, इनलेट में साथ में आते हैं, दोनों लीड पाइप भी साथ में आई हैं। यहाँ पर पॉइंट निकालने के लिए हमने एक GIT है वो यहाँ पर टाइट कर लिया है। पीछे इसके छोटी सी निप्पल लगाई है और आगे नल लगा दिया। अब इसका पॉइंट निकाल लेंगे जो पानी देगा गीजर को, और एक पॉइंट है वो पानी बाहर आएगा वो बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये 2000 वाट का है गीजर और इसकी कैपेसिटी 15 लीटर है। ये इसका फ्री इंसोलेशन किट इसके अंदर आती है और इंसोलेशन है वो फ्री है उषा की तरफ से, यदि आप उसकी टर्म्स और कंडीशन सप्लाई करते हैं तो। 7 साल की टैंक की गारंटी है, 3 ईयर की हो एलिमेंट की वारंटी है। ये वारंटी बता रहा हूँ मैं आपको, 2 साल की है वो प्रोडक्ट की वारंटी है। और ये मिस्टी 15 लीटर ये मॉडल है, इसका नेट वेट 8.5 किलोग्राम है और ये है वो 15 लीटर कैपेसिटी का है और 2000 वाट है ये इसका बिजली का है वो कंजप्शन है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट है वो निकाल लिया है। इस टीम में GI फिटिंग करें हम छोटी सी, क्योंकि क्लाइंट का मानना है कि GI मजबूत रहेगी तो GI करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट निकाल लिया है, एल्बो वगैरह लगाने के बाद हम वो दो पॉइंट बना रहे हैं। एक तो गीजर को पानी देगा, एक है वो गीजर से पानी बाहर आएगा वो पॉइंट, तो अच्छे से टाइट कर देंगे ये तो ड्रिल से। और ये हमारे पास ये नल भी है, ये नल हमने लगा दिया है, ये है गर्म पानी का नल। इसे चालू करते ही आपका वो गर्म पानी आ जाएगा। और इसमें एंगल वाल लगाया, इसमें एंगल वाल नहीं लगाया, सीधी है वो लीड पाइप टाइट कर दी है, क्योंकि ये बेस्ट तरीका रहता है। ये हमने NRE वाल लगाया है, अब इससे इनलेट हो रहा है, ये आउटलेट आ रहा है, सीधे निप्पल में हो इसकी, इसको टाइट कर दिया और ये नल में आ गया। तो इससे प्रेशर वो अच्छा बना रहता है, प्रेशर टूटता नहीं है। तो यहाँ पर हमने वो गीजर इंस्टॉल कर दिया है अच्छे से। अभी बिजली वाले भैया आए हैं तो ये इसका लाइट का है वो बोर्ड लगा देंगे। ये देख रहे हैं बहुत तेज़ी से काम करते हैं, 5 मिनट लगे इनको, इन्होंने वो एक लाइट का भी पॉइंट बना दिया है। तो हमारा गीजर वो चालू हो जाएगा, मैं आपको पूरा चालू करके दिखाऊँगा। ये देखिए होल कर रहे हैं, इसका कनेक्शन कर रहे हैं बिजली का, और बिजली का कनेक्शन होने के बाद ये गीजर है वो ऑन हो जाएगा और गर्म पानी के लिए काम करने लग जाएगा। इस प्रकार से गीजर लगता है, उसकी फिटिंग होती है और पॉइंट बनते हैं। और ये हमारा गीजर है वो चालू हो चुका है, ये देखिए। तो आइए, वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करें। आज का लाइक का टारगेट है 20 लाइक और 32 कमेंट। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।